मैं उस प्रोसेस को एंजॉय करता रहा और एज अ रिज़ल्ट देखते ही देखते एक साल बाद मेरी स्विमिंग आ गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, कैसे हैं आप सब? आप लोगों को तो पता है नाश्ता टाइम, नाते नाश्ता सर। थैंक्स। पता है क्या, जब से मैंने ये प्लानिंग यानी सोचना शुरू करा है और प्लानिंग शुरू करा है, वो होती है ना एक फजीनेस फीलिंग या गूस बम जिसे कहते हैं, अजीब से एक्साइटमेंट टाइप की होती है पेट में कि चैलेंज स्टार्ट करना है, तो वो होती है। जब आप कोई अपना बड़ा ख्वाब देखें और आपको एक अजीब सी फीलिंग हो, इसका मतलब आप एक्साइटेड हैं, आप कर सकते हैं। और अब मैंने ये सोच लिया कि अब पहले मेरा ये होता था, मैं ना शॉर्टकट की तरह बहुत ज़्यादा जाता हूँ। मेरा था महीने के अंदर इतने पैसे कमा लूँ, 2 महीने के अंदर। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि टाइम लगता है। मुझे पता था टाइम लगता है, लेकिन फिर मैंने देखा कि बिज़नेस प्लान्स भी जो बनते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल उनको रख के बनाया जाता है, ये थोड़ी कि 1 महीने में वो। तो मैंने बोला बेशक अगर पैसे भी नहीं भी आए, लेकिन इन 4 महीनों में मैंने फोकस होकर काम करना है और इस बार मैं प्रोसेस को इन्जॉय करूँगा। पहले मेरा था दिन में 16 घंटे काम वो काम करना है, और फिर मैं ना दिन में 16 घंटे काम करना है और इतने में घंटे काम करूँगा तो मुझे इतने रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन मेरा एक दोस्त है, वो 10 घंटे काम करता है और यकीन माने मुझसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, मुझसे ज़्यादा आगे। इसका मैंने बताया था अकाउंटेबिलिटी का, वो तो उसको जब उसने लिखा ना कि एक उसने स्नैपचैट में एक तस्वीर डाली कि कोई अगर आपको बताया कि आप 18 घंटे काम कर रहे हैं तो या तो वो लायर है या तो स्टूपिड है। तो मैंने बोला तुम क्या 18 घंटे काम करते हो? बोल रहा है नहीं मैं 10 घंटे काम करता हूँ। मैं चौंक गया, मैंने बोला तुमसे ज़्यादा मैं करता हूँ? हाँ मैं प्रोडक्टिवली नहीं करता। उसने बोला स्मार्ट वर्क कराओ, स्मार्ट वर्क के बारे में मुझे पता था। उसने बोला एक बुक है रीवर्क, वो बुक पढ़ो, स्मार्ट वर्क करो। तो मैंने सोचा कि अब जो भी किया करूँगा ना, कम टाइम करूँगा, फोकस करूँगा और कंसिस्टेंटली करूँगा, और अल्लाह ताला को भी वो काम पसंद है जो थोड़ा हो लेकिन कंसिस्टेंटली हो। कंसिस्टेंटली जो काम होते हैं वो फिर उसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त होता है। मैं अपनी लाइफ में मैं एक चीज़ पे मैं बोल सकता हूँ जो मैंने कंसिस्टेंटली करा और उसका मुझे रिज़ल्ट मिला, वो स्विमिंग थी। हर वीकेंड में जाता था पाबंदी से। मेरे माइंड में था कि बस मैं इंजॉय कर रहा हूँ, मैं उस प्रोसेस को इंजॉय करता रहा और एज अ रिज़ल्ट देखते ही देखते 1 साल बाद मेरी स्विमिंग आ गई। और मैंने ये नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा कद लंबा हो जाएगा स्विमिंग की वजह से, और मेरा कद भी लंबा हो गया। मैंने प्रोसेस को एंजॉय करा, तो अब मैंने सोचा अब इसका भी प्रोसेस एंजॉय करेंगे। और मुझे पता नहीं एक अजीब सी खुशी हो रही है इसी वजह से कि अब प्रोडक्टिव होऊंगा मैं, अब रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये सारे चीज़ें अब करते हैं व्लॉग एडिट। 7 बज गए, नाश्ता हो गया, व्लॉग एडिट करना है और फिर ज़रा मास्टर प्लान लिखना है, ज़रा मास्टर प्लान, यू नो मास्टर। अभी मैं अपने भाइयों के स्कूल से आ रहा हूँ, कुछ फीस वगैरह का पूछना था। तो अब ऐसे वहाँ जाके ज़रा एहसास अब ज़रा और हो गया कि अब ज़रा स्टार्ट, अब सीरियस हो जाना चाहिए बिज़नेस में। तो आज इतना कुछ ख़ास नहीं करा मैंने, घर पे थोड़ा बहुत काम थे वो करे, यही हुआ बस। और अब जाके कुछ भाइयों की किताबें हैं पुरानी, उन सब के ऐड डालने हैं ताकि वो ऐड डलेंगे तो वो बुक्स, क्योंकि काफ़ी जो है पुरानी है तो उसमें वो फिर बुक्स जो है वो बिक जाएंगी। तो ऐड डालना है, खाना खाना है, नमाज़ पढ़ना है, फिर सो जाना है। सुबह उठ के प्लान बनाना, आज प्लान नहीं बनाना क्योंकि आपका भाई माशाल्लाह से प्रोक्रेस्टिनेशन में किंग है। तो और फिर थोड़ा बहुत काम भी आ गया था इस वजह से नहीं हुआ, फिर थोड़ी देर सो गया मैं। अब मैं ना एक तरीके से पैरालाइज हो गया हूँ, पैरालाइज इस सेंस में कि जब तक प्लान बनेगा नहीं और अब वो स्टार्ट होगा नहीं ना, 110 डेज चैलेंज, मुझसे कुछ काम नहीं होगा, ये मसला हो गया। लेकिन खैर है, प्रोडक्टिव अब आप ज़रा देखेंगे, बीस्ट
बीस्ट मोड ऑन हो जाएगा मेरा। जैसे अगर मैं वहाँ जाता नहीं जाता, लेकिन मुझे अंदाज़ा था स्कूल में फीस का, और वैसे भी भाई आपके भाई ने पहले अनाउंसमेंट कर दिया है कि 110 डे चैलेंज स्टार्ट करना है, तो वो जाता नहीं जाता वो तो करना ही करना है भाई, और ज़रा सीरियस तरीके से करना है। यहाँ पे पता है लोग इतने सीधे क्यों हैं अभी फिलहाल? ये कैमरे देख रहे हैं आप लोग, ये जो कैमरे हैं, एक मिनट रोड क्रॉस कर लो उसके बाद बात करते हैं। ये यहाँ पे भी लगे हैं, अच्छा जी ये जो कैमरे हैं बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए प्लस फाइन लगाने के लिए। यहाँ पे ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, ज़रा सा आप आगे आए और आपकी तस्वीर खिंच जाएगी, और तस्वीर खिंच गई मतलब आपको SMS आ गया, थोड़ी देर में SMS आ जाएगा आपको इतना फ़ाइन लग गया है। कोई वांटेड गाड़ी है, कोई क्रिमिनल की गाड़ी है, तो वो सब ये मॉनिटर करते हैं ये कैमरा। तो जहाँ कैमरे ख़ासतौर पर क्रॉसिंग होती है ना, वहाँ पर लोग शरीफ बन जाते हैं। यहाँ पे भी लोग रूल्स तोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, हर जगह तोड़ते हैं ट्रैफिक के रूल्स, लेकिन कैमरे देख के सब शरीफ हो जाते हैं, अच्छे अच्छे शरीफ हो जाते हैं। एक यहाँ पे वाकया हुआ था, किसी ने दूसरी शादी कर ली, वो सऊदी था, उसकी बीवी को ऐसी तप चढ़ी, वो गई उसके अपने शौहर की गाड़ी निकाली अपने भाई के साथ, और जाके ना ऐसी क्रॉसिंग में जाके इशारा तोड़ दिए, और जो है ना फाइन इतने हो गए कि कम से कम फाइन उसने इतना करा, इतना उसने इशारे वगैरह तोड़े, $1,100,000 एक करोड़ तक का फ़ाइन कर दिया। अब आगे क्या पता नहीं, लेकिन फ़ाइन तो कर दिया उसने, तो उसको ज़रा कीमत मिल गई दूसरी शादी करने की। ये ताज़त ब्रोस्ट सही, इतना ख़ास नहीं है। एक और ब्रोस्ट है अलबेक, उसके बारे में तो ज़रा डिटेल से बताऊंगा किसी दिन, अभी टाइम नहीं है लेकिन बताऊंगा सही। यहाँ पे वैसे ताज़ा दूध जैसे पाकिस्तान में मिलता है खुला हुआ, वो कम मिलता है, ऊँट का मिल जाता है आराम से, लेकिन बकरी का गाय का नहीं मिलता। यानी अलमराई कंपनी है, वो लोग दूध तो बनाते हैं लेकिन वो वैसे ही आते हैं, एक तरीके कह सकते हैं कि बोतलों में आता है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में होता है थैली में खुला हुआ दूध, वो यहाँ पर बहुत कम मिलता है। तो वो ये यहाँ पर ये दुकान है, यहाँ पे बकरी का ऊँट का फ्रेश दूध मिलता है, महंगा है वैसे, 10 रियाल या 13-14 रियाल लीटर है। आज ऐसी कोई ज़बरदस्त वाली हब्स हो रही है कि पसीने टप टप करके गिर रहे हैं, अभी तो और गिरेंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूँगा मैं। खाना खा ली, नमाज़ पढ़ ली, और जो बुक्स के जो एड्स डालने थे वो भी डाल दिए हैं, थोड़े और ग्रुप्स में डालूंगा लेकिन वो कल डालूंगा। अब चलते सोना के लिए, अब चलते सोने के लिए, और थैंक्स, तो मिलते हैं आपसे कल, अल्लाह हाफिज़।